बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये खबर आ चुकी है तमाम, अगर कोई तमाम गैर मुल्कियों के लिए है जी, चाहे आप आज़ाद काम कर रहे हैं, चाहे खुद से आप ठेकेदार हैं, कहीं दिहाड़ी लगा रहे हैं, किसी मुसस्से के अंदर काम कर रहे हैं, किसी शिरके के अंदर काम कर रहे हैं, तमाम गैर मुल्कियों के लिए। हाँ, इसमें साए खास नहीं आएंगे क्योंकि वो गाड़ी में चलाते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। ये कौन कौन से बंदे इसमें नहीं आएंगे ये भी क्लियर कर दूंगा आपके साथ में, और इसके ऊपर फाइन वगैरह क्या है ये भी क्लियर करूंगा मैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं, ये 15 जून से ये कानून लागू है जी, यानी कि इसी, आप बोल रहे हैं कि इसी महीने की 15 तारीख से ये कानून लागू हो जाएगा। और इसमें दूसरी बात ये है जी कि आप ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप पकड़े गए तो आप बोलेंगे कि जी मैं तो कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं मुसस्से में काम कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का क्या जुर्माना, मुझे इस चीज़ का क्या फाइन है। मैं आपको लाइव बता भी देता हूँ, आप खुद से यकीनन आपको आपको सुनने के बाद पूरी बात समझ आ जाएगी। 15 जून से 12 बजे से 3 बजे तक काम के ऊपर पाबंदी है, हर साल लगती है जी। 15 जून से ये लगा दी गई है सऊदी अरेबिया में। होता क्या है, होता ये है जी, दो ग्रुप, एक मैं खुद मौजूद था उस ग्रुप में, अलवज में काम कर रहे थे, जम्बो अमलज अलवज दुबा थूक, आपको पता है जी मदीना शरीफ से निकले तो यम्बो अलवज, यम्बो जम्बो के बाद अमलज, अमलज के बाद अलवज, तो हम अलवज में लगे हुए थे, समुद्र के ऊपर काम कर रहे थे। तो बात यह है जी कि वहां पर मैं तो किसी एक साइड पर खड़ा हुआ था आराम से, और दूसरी तरफ कुछ आदमी हमारे काम कर रहे थे। मकतबे अमल पड़ गई जी, मकतबे अमल का एक आदमी था, गाड़ी लेकर आया, उसने गाड़ी साइड पर खड़ी की, सबको बुला रहे, आदमी भागने लगे, उन्हें कोई ना भागे, 10 इकामे लिए जी उसने 10 बंदों के, और सिर्फ 12:10 या 12:15 हुए थे, यानी कि 10-15 मिनट ऊपर हुए थे। और फिर मिन्नत समाजत की उसकी, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, खुदा के लिए हमें छोड़ दो, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। तो उसने फिर इकामे वापस किए थे, ये कह करके दोबारा अगर मैंने तुमको देख लिया 12:02 पर भी, तो मैं इकामे ले जाऊंगा और तुमको फाइन भी करूंगा, उसके बाद डिपोर्ट भी करवाऊंगा। तो बहरहाल ये तो होगी जी, मैं यहाँ पर खुद से मौजूद था। आपको पकड़ते कैसे है मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ताइफ में हमारा दूसरा ग्रुप लगा हुआ था, 12 बजे के बाद बंदे काम किए जा रहे हैं, 12:30 का टाइम हो गया, वो आया, उसने बोला कि भी मैंने क्या काम हो रहा है बंदे, ताकि बंदे भागे ना, इन लोगों ने बोला कि ये एसटीसी का काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने बोला ठीक है, अच्छा ये काम कैसे करते हो, ये किधर किधर काम जाएगा। इतनी देर में वो नीचे आ गया, जब नीचे आ गया 3 आदमी खड़े हुए थे उनके पास, तीनों के पास आके बोलता है काम निकालो, वो बोलते किस चीज़ के, उसने बोला वो गाड़ी देखो, उसने इधर से कार्ड निकाल कर दिया मकतबे अमल का, तीनों के इकामे लिए, तीनों के इकामों के ऊपर 3,000 रियाल का फाइन जी। फाइन कम तरह आपने सुन लिया है, आप भाई 12 बजे से 3 बजे तक काम करते हुए किसी भी ऐसी जगह, यानी कि जहां पर धूप है, चाहे बिल्डिंग की आखिरी छत पर लगे हुए हैं वहां पर धूप पड़ रही है, या कहीं रोड पर कहीं भी लगे हुए हैं गली मोहल्लों में, तो आपको 3,000 रियाल का फाइन है, और वो आपके इकामे के ऊपर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो आपकी कंपनी को होगा। हाँ, आपकी कंपनी पे करते हुए अलग से मामला है, क्योंकि आपकी कंपनी इकामा आपका लगाएगी या आपका फील इकामा लगाएगा तो वो पे करेगा, लेकिन अगर आप खुद से आजाद काम कर रखे हैं या कंपनी भी आपको खुद से कह सकती है कि हमने आपको नहीं बोला था, आप खुद से लगे हुए थे, या ये है या वो है, 3,000 का बहरहाल जो ग्रामा होगा वो आपके भाई इकामा के ऊपर होगा, वो आपको भुगतना होंगे ना कि किसी और को। तो एहतियात कीजिए, अगर कोई बंदा बोलता भी है तो उसको बोले कि हुकूमती सतह पर ये बात है जी, मैं यहाँ इन 3 घंटों में काम नहीं करूंगा। होता ये है जी शिरकों में, ज्यादातर मैं खुद से भी ऐसा काम किया है कि 12 बजे रेस्ट होती है और 3 बजे तक खाना खाएं, आप रेस्ट करें, आपके पहले हम रेस्ट करते थे 1 घंटा यानी कि 1 बजे तक, फिर 2 घंटे मजीद ज्यादा होती है, यानी कि 3 बजे तक रेस्ट करें, शाम को 5 बजे अगर 4 बजे छुट्टी होती है तो 6 बजे तक काम करना पड़ता है, तो 2 घंटे ज्यादा काम का आदमी करता है, रात को 2 घंटे शाम को काम करते थे, लेकिन 3 घंटे रेस्ट जो 12 बजे होती है जी, इसमें रेस्ट ही कीजिएगा। हाँ, बिल्डिंग लाइट के अंदर वगैरह लगे हुए तो फिर नो, आपको मसला नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं।